लेकर के प्लान दिखाने के तरीके तक जो पांच पॉइंट आपने देखे हैं, अगर ये छठा पॉइंट आपने मिस्टेक कर दिया तो वो सारे पॉइंट आपके धरे रह जाएंगे, एकदम सब कुछ धरे रह जाएंगे अगर घचर पचर कर दिया ये एकदम। अब यहां से कंप्लीट विनय कंप्लीट तौर पे आप रिकॉर्डिंग चला रहे हैं, बावजूद उसके कलम कॉपी पर लिखिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शो द प्रोडक्ट। हम प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे कि दाल ही तो दिखाना है, लेकिन दिखाएंगे क्या? मसूर की दाल ही तो दिखानी है, पापड़ तो दिखाना है, दिखाएंगे क्या? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है कि हम अपने प्रोडक्ट को दिखाएंगे कैसे, क्योंकि किसी ने एक बात बोली है, जो दिखता है वही बिकता है। आप कितना भी चिल्ला ले भोंप ले, दिखाने का अंदाज अगर गलत हो गया भाई मेरे, पूरा का पूरा मेहनत गलत हो जाएगा। प्रोडक्ट हमको दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है। अब प्रोडक्ट दिखाएंगे कैसे यार? रहर का दाल रहर ही तो दिखेगा, मसूर की दाल मसूर ही तो दिखेगी, अब इसमें दिखाने वाली कौन है? माय डियर फ्रेंड्स, है हमको वो प्रोडक्ट दिखाने का ही तरीका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा चैलेंजिंग है। वही आना जरूरी है, वही आना जरूरी है। थोड़ा पानी तो हम लोग कहां पे थे? प्रोडक्ट दिखाने के तरीके पर। जब प्रोडक्ट कैसे दिखाएंगे? प्लान दिखाने का तरीका हम लोगों क्या है? अब हम लोग प्रोडक्ट दिखाएंगे कैसे? अब प्रोडक्ट दिखाने के लिए अक्सर और बेहतर मेरी एक गलती है जो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे तमाम वो लीडर्स, चाहे वो मेरे अपलाइन हो चाहे वो मेरे डाउनलाइन हो, मैं कभी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं समझता कि मुझे मालूम है मैं एक बिगनर हूं, स्टार्टर हूं, लर्नर हूं। जब तक मेरे अंदर ये भावना रहेगी मैं कुछ नया बना पाऊंगा, कुछ नया कर और सीख पाऊंगा। अब देखता हूं प्लान दिखाएंगे क्या, प्रोडक्ट दिखाएंगे क्या? रहर की दाल से शुरू करना है कि हमको कहां से शुरू करना है? हमको सबसे पहले दिखाना क्या है, कैसे हम दिखाएं? पॉइंट पे आता हूं। प्रोडक्ट शो का तरीका, हम सामने वाले के पास बैठेंगे और जब, क्योंकि देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना प्रोडक्ट शो का तरीका, ये होम मीटिंग में ही ज्यादा इफेक्टिव करता है। और ऑनलाइन मीटिंग पर आप जब पीडीएफ और बाकी चीजें दिखाना शुरू करते हैं वहां पर भी कुछ कुछ पॉइंट काम करेगा, लेकिन शो द प्रोडक्ट में आपको खास ख्याल करना है कि ये पॉइंट जो है वो ज्यादातर वन टू वन और होम मीटिंग में काम आता है ना? तो इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। वो तरीका आप लोग एक बार देखें, हमें कैसे दिखाना। सबसे पहले बात करते करते जब हम कस्टमर, जब हम अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें तो उसको डायरेक्ट अपने प्लान पर नहीं आना, अपने प्रोडक्ट पे नहीं आना है। सबसे पहले उनकी दिनचर्या और एक्टिविटी के बारे में, उनका क्या एक्टिविटी है प्रत्येक दिन में, वो कौन सा काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनका तरीका क्या है, घर में बच्चे कितने हैं, उनकी पत्नी का क्या किचन में रोल है नहीं है, ये सब आंकना शुरू कर दें। प्लान देने और बात करने के अंदाज में ही आपको पता लग जाएगा कि उनके घर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कौन सा है। जब आप उनसे बात करने लगेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि उनके पास, जब आप प्लान दिखाना चालू करेंगे वो बार बार बोलेंगे कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। वो बीच में बोलेंगे सरसों का तेल भी है क्या, वो बीच में बोलेंगे भैया अरहर का दाल भी है क्या। तो जब वो जिस प्रोडक्ट का नाम लें, पहले उसी प्रोडक्ट को दिखाना है, क्योंकि उनका अटेंशन तो उसी प्रोडक्ट पे। आप सारा प्रोडक्ट दिखा लीजिए, लेकिन आप उनको अगर अरहर का दाल नहीं दिखाएंगे और बार बार आपसे अरहर के दाल के बारे में पूछ रहे हैं तो उनका दिमाग बार बार उसी अरहर के दाल में फंसा हुआ रहेगा। तो तरीका क्या है प्रोडक्ट दिखाने का? सबसे पहले वो प्रोडक्ट दिखाइए जो वो देखना चाहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए, एकदम इंपॉर्टेंट लाइन, इसको इसको नोट करिए। सामने वाला वो, आप उसको वो प्रोडक्ट दिखाएंगे कि जो वो देखना चाहता है, वो देखना जो चाहता है। तो सबसे पहले हमको क्या दिखाना है, प्रोडक्ट लाइन नोट कीजिएगा। ये बात क्लियर हो गई कि हमें प्रोडक्ट कैसे दिखाना है। भले वो रहर का दाल है, रहर का दाल बैग से रहर ही निकलेगा, लेकिन अगर उसने कहा कि सर आपके पास रहर की दाल भी है क्या,
तो आपको सबसे पहले रहर की दाल निकालनी है। तो क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट कैसे दिखाना है? विकास, ये बात क्लियर हो गई? अब उसके बाद आता है, अभी भी इसमें पॉइंट्स हैं, अब हमको वो दिखाना है जो हम चाहते हैं दिखाना। अभी तक तो वो दिखाया जो वो चाहते थे दिखाना, जब जो जो प्रोडक्ट वो बोलते निकल जाए, बुक दिखाने के बाद, प्लान दिखाने के बाद, पूरी तैयारी के बाद, जो प्रोडक्ट वो बोलता है वही प्रोडक्ट आप किताब से दिखाएं, अगर बैग में तो बैग से निकालें, यूट्यूब पे तो यूट्यूब से दिखाएं, नेट पे इमेज है तो नेट से दिखाएं, बुक है तो बुक से दिखाएं, जो प्रोडक्ट बोलता है पहले वही प्रोडक्ट दिखाएं। प्रोडक्ट दिखाने का यही एकमात्र तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? अब जब उनके जरूरत के सारे प्रोडक्ट आप दिखा लें, तो अब आप वो दिखाएं जो आप दिखाना चाहते हैं। अब वो दिखाएं वो दिखाना हो जो आप दिखाना चाहते हैं। अब इस पॉइंट को एकदम नोट कर लेंगे जो लोग भी जुड़े हैं, हम लोग सब कोई नोट कर ले, क्योंकि मैं बोलता जा रहा हूं लेकिन हो सकता है कि ये पॉइंट्स मुझे खुद भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पॉइंट्स आती जाती है, ध्यान और आदमी बोलता निकल जाता है। तो ये हो सकता है कि मैं वापस से आप लोगों से वो लिखी हुई चीज मांगूंगा, ताकि इस पर कंप्लीट एक इसी इसी बात पर जो जो लिखा है मैंने उसी इसी पॉइंट्स पर कंप्लीट एक प्रोफेशनल तरीके से वीडियो दे पाऊं, जिसको हम लोगों को दिखा करके अपना बिजनेस आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लें कि जो वो अब जो देखना चाहते थे वो हम दिखा लिए हैं, अब हम वो दिखाएंगे जो हमें दिखाना था। अब हम क्या दिखाएंगे? हम उनको वो दिखाएंगे कि उनको अगर सुबह लैट्रिन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो सर आपको मॉर्निंग ब्रश लेना है। सर अगर आपके वहां मैडम को ब्लड में कमी है तो सर आपको ये देना है। सर आपको अगर ये प्रॉब्लम, अब हमको बीमारी की तरफ जाना है। अभी तक वो किचन की तरफ थे, अब हमको बीमारी की तरफ जाना है। तो हम सबसे पहले वो काम कर लेंगे कि जो वो चाहते थे, और उसके बाद अब वो काम करेंगे जो हम चाहते थे। तो जब ये दो काम हम कर लेंगे, तब उसके बाद वो कहेंगे अरे यार हमारे लड़का तो सर खाता है मगर उसके बदन में नहीं जगता है, बड़ा सही बात बोले, एक काम करिए जरा इसको भी दे दीजिए। अब जब आप उसकी बात मान लिए हैं तो अब वो मानेगा आपकी सारी बात, क्योंकि आपने तो उसकी सारी बात मान ली थी, उसने अपने सारे वो प्रोडक्ट दिखा दिए किचन से रिलेटेड। अब उसको ले आना है हमको स्वास्थ्य के ऊपर, और जब आप उसको स्वास्थ्य दिखाना चालू कर देंगे, औरतों को उनकी लेडीफाइन दिखाना चालू कर देंगे, औरतों को उनका पैड वो सैनिटरी पैड दिखाना चालू कर देंगे, तो उनको लगेगा अरे यार अब हमको ये नहीं कि हेल्थ में आया तो सारा प्रोडक्ट में ठेल दिए, नहीं, उनको खून बनाने का दिखाना है, किडनी से रिलेटेड दिखाना है, पेट साफ करने का दिखाना है, उनका खून कैसे प्योर और शुद्ध बनेगा वो बनाना दिखाना है, उनके बॉडी के अंदर ऑर्गन कैसे काम कर रही है वो दिखाना है, उसके बाद उनका हड्डी के अंदर मजबूती कैसे आएगी वो दिखाना है, उसके बाद उनका कार्टिलेज कैसे रिपेयर होगा वो दिखाना है, उनके घर में बच्चे हैं तो उनका दिमाग कैसे तेज होगा वो दिखाना है, उनके अंदर बदन में जो हड्डियां हैं वो मजबूत कैसे बनेगी वो दिखाना है, उसके तुरंत बाद ही हमें वो प्रोडक्ट दिखाना है कि उनका बदन जो वो फील्ड में जाते हैं, मैडम आपके शौहर फील्ड में जाते हैं, हमेशा काम करते हैं, जाने कितने लोगों से मिलते हैं, जाने कितना काम करते हैं, मैडम उनकी शारीरिक शक्ति के लिए भी कुछ देना चाहिए। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनको रिवाइटल नहीं देना है मैडम, उनको हमारी कंपनी का ये वाला प्रोडक्ट देना है, उनको शांति शक्ति देना है, उनको ये प्रोडक्ट देना है। बोलेंगे हाँ सही बोल रहे हैं एकदम बिल्कुल, ये ध्यान ही नहीं देते हैं खाने पर, उनको मैडम स्पैरोली ना देना है, हाँ सही बोल रहे हैं, दोपहर का खाना ही नहीं खाते, उसको लगेगा यार हम तो दोपहर में खाना ही नहीं खाते, हमको स्पैरोली ना खाना चाहिए। तब जाकर के वो काम करते हैं, स्पैरोली ना तो देना ही था लेकिन हमने दिखाने का तरीका बदल दिया, हम वो चीज दिखाना शुरू कर दिए जो वो देखना चाहता था, फिर मैं वो दिखाना शुरू करूंगा जो वो देखना नहीं हम दिखाना चाहते। तो अब उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोडक्ट दिखाने का तरीका कंप्लीट तौर पे समझ में आ गया होगा, जो बात मैं बताना चाह रहा था वो बात समझ में आ गई। एकदम सर एकदम। हेलो जी जी जी, क्या ये तरीका सही नहीं है? एकदम सही है जी, एकदम सही है, एकदम सही है सर, एकदम सही है। यही समय हमको शो द प्रोडक्ट में सबसे लास्ट जो होता है, जब हमको बंद करना है, डब्बा बंद करना है, उस वक्त बंद करते करते गेम बंद करके जाना है, और जब हमारा गेम बंद हो करके जाएगा तो वहीं से पैसा आएगा। और हमको अब गेम अपना ऐसे ही बंद करना है कि प्रोडक्ट वहां से दिखाना शुरू करेंगे जहां से आप देखना चाहते हैं साहब। और लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट वहां से दिखाना शुरू करते हैं जहां से वो खुद चाहते हैं। तो हमें अपने लिए काम नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, नोट कीजिएगा, हमें अपने लिए काम नहीं करना है, हमको हमारे ग्राहक के लिए काम करना है, हमको हमारे टीम के लिए काम। क्लियर जी सर? सही है एकदम सर। अब हम लोग एक बार, जो हम तीन चार लोग ही हैं और जो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, तो उस पॉइंट्स का एक बार थोड़ा खुद में भी आकलन कर लें, विश्लेषण कर लें
कि क्या ये बात अगर हम अपने और लोगों को बताते हैं तो इसमें किन किन पॉइंटों को ऐड करना। देखिए अभी मैं सिर्फ आप लोगों से मशवरा लेता हूँ, कारण क्या है अभी हमारे पास वो और ज्यादा लोग नहीं जुड़ रहे हैं, हम ही लोग अपने प्लान को और बेहतर बनाने के बारे में सोच सकते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक लोग हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हम प्लान देने के तरीके को एकदम सुदृढ़ बनाते जाएं, सुदृढ़ बनाते जाएं, और जब कंप्लीट तौर पर स्टेज मिले तो फिर लग जाए कि हाँ विनय पूरी तरह तैयार है, रहमान सर पूरी तरह तैयार है, इनको किसी से कुछ पूछने और बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ यही एक उद्देश्य है मेरा ये ट्रीटमेंट चलाने का। तो अब चाहूंगा अब तक आज जो पूरे दिन भर बोला, तो इसके बाद मीटिंग शुरू होनी है 12:30 बजे 1:30 बजे तक, और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अब तक जो हम लोगों ने सीखा है इसके अंदर जान फूंकने वाली बात है, उस पर काफी इंपॉर्टेंट काम होगा, कुछ नई नई चीजें भले लिखा हो उस पर कि किसी सीनियर अपलाइंट प्रोफेशनल स्पीच लेने हैं लेकिन पॉइंट्स भी देना जरूरी है क्योंकि उनके स्पीच से ही हमें पॉइंट मिलेगा। तो मैं चाहूंगा कि जो पॉइंट आज हम लोग 6 पॉइंट हम लोगों ने लिखे हैं उन सारे 6 पॉइंट को एक एक करके रहमान सर हम लोगों को बताना चाहें कि कैसे वो पॉइंट्स हमने जो लिखवाए हैं एक बार जरा वो बता दें कि मुझे भी रिमाइंड हो जाए कि मैंने क्या क्या लिखवाया है, और अगर कुछ समझ आ जाएगा एक बार जरा रहमान सर वो पॉइंट नंबर 1 पॉइंट लास्ट में पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। हेलो लास्ट में एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा मैं। हाँ बताइए। इसमें जैसे मैंने प्लान शो कर दिया, ठीक है, प्रोडक्ट भी शो कर दिया अपने कस्टमर को, ग्राहक को, ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमें, जैसे हमने प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, ठीक है, अब वो हमारे टीम में जैसे ज्वाइन करते हैं तो अच्छी बात है, हमारे टीम मेंबर बन गए, ठीक है, और नहीं ज्वाइन होते कुछ टाइम मांगते हैं कि हमें 10 दिन का, 1 हफ्ते का हमें टाइम चाहिए सोचने के लिए, ठीक है, तो उनको हम अपना यूजर बना देना, ठीक है, हमें कुछ ये इम्पोर्टेंट बात है। इस पे मैं तुरंत एक पॉइंट लिख दे रहा हूँ, नोट करने में आसानी होगी। तुरंत तीसरा पॉइंट, उस तीसरा पॉइंट ये है कि ठीक है सर आप हमारा बिजनेस बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें लेकिन आप चाय तो पीते ही होंगे, आप काम को खा, जो प्रोडक्ट आपने पहले बताया सर वो प्रोडक्ट आप जब तक यूज करिए, अगर प्रोडक्ट आपको बेहतर लगती है, अगर प्रोडक्ट आपको बेहतर लगती है तो आप अगली बार से कंटिन्यू अपना लाभ ले सकते हैं, किसी को ज्वाइन करने की सारी आवश्यकता नहीं है, प्रोडक्ट इस्तेमाल कराना सबसे पहले प्रोडक्ट जी प्रोडक्ट उनको इस्तेमाल कराना। जी सर, जी सर, एकदम सर। अब आता हूँ उस पॉइंट पर जो मैंने 1 नंबर पॉइंट से बताया है, क्या उस पॉइंट को दोहरा दें ताकि मेरा भी ध्यान क्लियर हो जाए और लोगों का भी क्लियर हो जाए। इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, प्रोडक्ट इस्तेमाल करने का, ठीक है, इससे इससे बेनिफिट क्या होगा, ठीक है, प्रोडक्ट उनको आप दो यूजर बना दिए तो एक तो उनके माइंड में ये चीज आ गया कि अरे यार ये प्रोडक्ट तो मान ली मैं यहाँ चाय पत्ती फला जगह से लेके आता था, ये तो इस कंपनी का ही है, तो काम रुको, उनको क्या फिर अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे कि हम कोई नया काम करने नहीं जा रहे हैं, हम तो वही काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट कहीं और से लेके आते तब हमने